मैं नहीं जानता क्या कौन कौन सुन रहे हैं बट हुआ लेकिन आप जो भी कोई ना हो लव गॉड आप परमेश्वर के प्रति आप प्रेमी हैं। परमेश्वर you. के पास एक योजना है आपके जीवन के लिए।

धन्य है वे जो आत्मा में निर्धन है एंड आर दोज हु और धन्य वे है जो शोक मनाते हैं टुडे लेट अस मेडिटेट ऑन द थर्ड आज हम तीसरे उपदेश को देखेंगे व्हिच इज व्हिच इज ब्लेड आर द मीक फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे नाउ दिस इज वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड व्हाट मीकनेस इज और ये एक ऐसी बात है कि आप सब लोग इस बात को समझे कि नम्रता क्या है मीकनेस इज नॉट गोइंग अराउंड द ड्रेस क्लोथ्स एंड एंड डाउन एंड दैट इज नॉट मीकनेस. नम्रता ये नहीं है कि हम ऐसे ही uh, uh, कुछ भी गंदे या फटे कपड़ों को पहनकर और सर झुका के हम चले। चलेकनेस मीन्स हम और नम्रता का अर्थ यही है कि हम दीन हो जाएं। और बीइंग मॉडेस्ट या फिर हम साधारण बने रहें इन कॉन्ट्रास्ट टू क्विक टेम्पर्ड एंड एरोगेंट और प्राउड और ना कि हम घमंडी हो या जल्दी हमें क्रोध आए और प्राउड या घमंडी हो मीकनेस इज नीदर मीननेस नोर अ सरेंडर ऑफ आवर राइट्स और नम्रता ये भी नहीं है कि हम आ, हम दुष्ट हो जाएं या फिर हम अपने अधिकार को छोड़ दें नोर इज इट कावर्डिस और ना ये एक आ, तरह से हम डरपोक हैं बट इट इज द ऑपोजिट ऑफ अ सडन एंगर लेकिन अचानक जब हम क्रोधित हो जाते हैं उसके बिल्कुल विपरीत है सडन आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर या फिर बहुत गुस्से से हम एकदम से कुछ बोल देते हैं इट इज द ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग हार्बर्ड एंड नर्चर्ड वेंजेंस और बहुत दिनों तक अपने हृदय में एक बदला को रखना और इसके बिल्कुल विपरीत है बोथ क्राइस्ट एंड पॉल नेवर सरेंडर देयर राइट्स दोनों मसीह और यीशु मसीह और पौलुस प्रेरित ने कभी भी अपने अधिकारों को छोड़ा नहीं जीसस व्हाइल बीइंग ट्राइड बाय द चीफ प्रीस्ट और यीशु मसीह को जब हम देखते हैं जब महायाजकों के सामने लाए गए सेड दिस इन रेस्पॉन्स टू बींग बीटन एंड ई सेड और जब उनको मारा गया उन्होंने इस बात को कहा इफ आई हैव डन ई बेयर विटनेस ऑफ द ई अगर मैंने कोई गलत काम या दुष्ट काम किया है तो उसको बताओ बट इफ़ आई स्पोक द ट्रूथ Why did you strike me? लेकिन अगर मैंने सच्चाई या सत्य को बताया है तो फिर मुझे क्यों मारा गया यू रीड इट इन दी गॉस्टर्डिनेट जॉन चैप्टर एटीन वर्ष ट्वेंटी थ्री और ये बात हम यहुना रचित सुचार उसके अठारह अध्याय के तेईस पद पड़ में पढ़ते हैं way, Paul, और उसी प्रकार पालूस प्रेरित को भी हम देखते हैं इन एक्स चैप्टर सिक्सटीन वर्स 37 प्रेरितों के काम उसका सोलवे अध्याय के सेवेंत पद में पॉल इन डिफेंस ऑफ हिमसेल्फ पालूस अपने बचाव में इस बात को कहता है स्पोक टू द अथॉरिटीज ऑफ द जस्टिस अथॉरिटीज इन 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 और फिलिपाई के जो शासक थे जो अधिकारियां थे उनके सामने इस बात को रखा यू नो ही अलॉन्ग फ्रेंड साइलेस और पोलूस को अपने मित्र सिलास के साथ दोनों को बहुत बुरी तरह मारा गया एंड देवर पुट इन जेल और उनको जेल में डाला गया देन द नेक्स्ट मॉर्निंग और अगले दिन आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट है इन द जेल और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि उस जेल में क्या हुआ द नेक्स्ट मॉर्निंग द अथॉरिटीज सेंड अ वर्ड लेट दोस मेन गो और अगले दिन सुबह अधिकारियों ने इस ये आदेश को दिया कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए बट पॉल रिफ्यूज टू लीव लेकिन पॉलूस वहां से जाने से मना कर दिया एंड ही सेट दिस और उन्होंने इस बात को कहा आई हैव बीटन अस ओपनली कि हमें खुल्ला खुला उन्होंने मारपीट किया है ओ वी आर अनकम्ड जबकि हमारे ऊपर कोई दोष नहीं था बींग रोमन सिटीजन और रोमी नागरिक होने के खाते और फिर हमें जेल में डाला गया उट प्राइवेटली और अब वो छुपे रीति से या गुप्त रीति से हमें छोड़ना चाहते हैं नो वी आर नोट लीविंग नहीं हम ऐसे ही नहीं जाएंगे और अधिकारी खुद आए और हमें बाहर लोगों के सामने निकाले दोनों यीशु मसीह और पौलुस प्रेरित को हम देखते हैं स्टैंड फॉर राइट वो अपने उनका जो अधिकार था उसके लिए वो लोग खड़े हुए जीसस वीक मॉडल ऑफ वीकनेस लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये शु मसीह एकदम नम्र और दीन व्यक्ति थे और इसके वो उदाहरण थे has said, किसी ने ऐसे कहा वीकनेस इज नॉट वीकनेस नम्रता जो है वो कमजोरी नहीं है दैट इज अ राइट से और ये सही बात है एन सो फॉल द सेम वे पॉल नो मैन एंड मोर एंड एनड्योर्ड पेशेंटली और उसी प्रकार पॉलूस को हम देखते हैं कि उस कि वो बहुत धीरज के साथ और बहुत लंबे सब समय तक उन्होंने बर्दाश्त किया एंड सो मीक आर रोज हु आर हम्बल एंड सबमिस टू गॉड सो नम्र वे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने दीन और और आज्ञाकारी हैं डिपेंड ऑन नथिंग एल्स बट हिम फॉर सिक्योरिटी इन लाइफ वे और कुछ के ऊपर लेकिन सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं जीवन में सुरक्षा पाने के लिए एंड अ रेफ्यूज फ्रॉम ट्रेवल और परेशानियों से एक शरण स्थान ट्रस्टेड ऑन गॉड वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं एंड दे कमिटेल एट द डायरेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंटायरली टू दम्र लोग अपने जीवन के दिशा को अपने जीवन के मार्गो को पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर सौंप देते हैं एंड दे आर मोर कंसर्ड अबाउट गॉड्स वर्क और वे इस बात पर चिंता करते रहते हैं कि परमेश्वर का कार्य कैसे हो एंड ऑल्सो गॉड्स पीपल और परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी चिंता करते हैं देन अबाउट माइट हैपन टू पर्सनली और इस बात का चिंता नहीं करते हैं कि उनके साथ स्वयं क्या होता है द मेक राजर ओन वेज और वे लोग जो जोर शोर से अपने ही मार्गों पे चलते हैं द people, पीपुल ऑन other हैंड अल्टीमेटली विल इनहेरिट गॉड्स ब्लेसिंग उसके विपरीत में हम देखेंगे कि नम्र और दीन लोग वो ही परमेश्वर के वारिस होंगे एंड दे आर रेन विथ क्राइस्ट इन His किंगडम और परमेश्वर के साथ उसके राज्य में शासन करेंगे so always remember so हमेशा याद रखें it is the meek people ये वो नम्र लोग हैं who shall inherit the earth जो इस पृथ्वी पर अधिकार करेंगे and at the end who shall reign forever with Christ in His kingdom और अंत में यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में कौन राज्य करेगा not the aggressive and uh, impatient people who

पोर्सन ऑफ द प्रॉपर्टी जो जो इस बात के लिए तैयार रहते हैं की उनके संपत्ति में से अगर कुछ खो भी दे बजाय इसके की घमंडी लोगों के साथ वो झगड़ा करे या उनके साथ उनके उससे हासिल करे बिकॉज दे है क्योंकि उनके पास एक दर्शन होता है ऑफ नॉट ऑफ द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार के बातों का नहीं बट दे हैव अ क्लियर विजन ऑफ वट इटर्निटी इज होल्डिंग फॉर दैट लेकिन उनके पास एक दर्शन होता है कि अनंत काल के जीवन में उनका क्या इंतजार कर रहा है reign with Jesus Christ forever, ये, ये मसीह के them. साथ हमेशा के लिए उनके साथ राज्य करेंगे कीप दिस थिंग इन माइंड टूडे आज के दिन इन बातों को अपने मन में रखें। सो ऑलवेज रिमेंबर सो हमेशा याद रखे वो कमजोरी नहीं है gain, नम्रता जो है आपका सबसे बड़ा लाभ हो सकता है जो परमेश्वर के अनंत काल के आशीषों को आपके जीवन में लाएंगे फादर स्वर्गीय पिता ंगडम और इस बात को नम्र लोग ही आपके राज्य के अधिकारी होंगे हम ऐसे लोग बनने पाए जो अनंत काल के चीजों को अपने निगाह में रखें। नॉट एग्रेसिवली pursuing the टेम्पररी थिंग्स or, or, और ऐसा ना हो कि हम अस्थायी चीजों या वस्तुओं के पीछे हम भागे ग्रेस प्रभु हमें आपकी अनुग्रह की आवश्यकता है पावर ऑफ द होली स्पिरिट टू हेल्प अस धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए और आप पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए हमारी सहायता करने के लिए थैंक यू धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं ग्रेट डे माई फ्रेंड ये एक महान दिन है मेरे मित्रोंव अ ग्रेट डे एक अच्छा दिन बिताएं एंजॉय लिविंग एंड प्लीसिंग क्राइस्ट और अपने जीवन को जिए और यीशु मसीह को प्रसन्न करें आमे आमेन